किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, हमारे खेतों की जो कंडीशन है वो इस तरीके की हो चुकी है कि हम उसमें लगातार जो वेजिटेबल क्रॉप लेने के कारण उसमें, क्योंकि फसलों में तरह तरह के फंगल डिजीज आते हैं, तो हमारी खेत के अंदर तरह तरह की जो हानिकारक फंगस है वो पनपी हुई है, वो पड़े हुए हैं, उसके जो स्पोर्स हैं, बीजाणु हैं, वो पड़े हुए रहते हैं। तो देखिए, आप ऐसे खेत में हम कोई भी फसल लगाते हैं, उसका जो सीड है, बीज की बुवाई करते हैं, तो क्या होता है कि जो फंगस है वो बीज पे अटैक करके और जो हमारा बीज है वो गल जाता है, सड़ जाता है, जिससे जो जर्मिनेशन है हमें बहुत कम देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो हमारा फील्ड है, हमारा खेत है, वो खाली रह जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में किसान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि उसने इतना ज़्यादा खर्चा किया है और उसने सीड पर खर्चा किया है, उसका कल्टीवेशन पे खर्चा किया है, उसकी सोइंग यानी कि सोइंग की है, बुवाई की है, तो उस पर भी खर्चा किया है। उसके बाद उसका जर्मिनेशन प्रॉपर ना आए, यानी कि खेत जो है वो खाली रह जाए बीच बीच से, तो फिर बाद में जो उसका प्रोडक्शन है उस क्रॉप का, वो भी बहुत कम देखने को मिलेगा, और बहुत सारी मतलब ज़्यादा ही कम हो जाए तो समस्या हो जाती है, किसान को फिर से उसकी बुवाई करनी पड़ती है। तो ऐसी कंडीशन में देखिए, जो सीड ट्रीटमेंट है वो बहुत ही ज़रूरी होता है फार्मर के लिए। आज की कंडीशन में आप कोई भी वेजिटेबल क्रॉप लगा रहे हैं तो हमें सीड ट्रीटमेंट करके ही लगानी चाहिए, लेकिन सीड ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या अवेलेबल है हमारे पास, वही आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, जब भी आप कोई भी वेजिटेबल क्रॉप लगा रहे हैं तो सीड ट्रीटमेंट जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है पहले ये जान लीजिए। देखिए, सीड ट्रीटमेंट करने से पहला तो आपकी जो फंगस सॉरी आपका जो सीड है उस पर कोई भी फंगस अटैक नहीं कर पाती है, जिससे जो फंगस अटैक ना कर पाने के कारण जो बीज है हमारा हेल्दी रहता है और उसका जर्मिनेशन हमें आता है। तो ऐसी कंडीशन में जब हम सीड ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो जर्मिनेशन परसेंटेज हमारा हाई होता है, जिससे जब हाई परसेंटेज होगा जर्मिनेशन का तो प्लांट अधिक होंगे, तो उससे जो प्रोडक्शन है हमें अच्छा मिलेगा। उसके साथ साथ देखिए, इनिशियल स्टेज में, क्योंकि जब हमारा पौधा उगने के बाद छोटा होता है तो उसमें डैम्पिंग ऑफ की समस्या हमें देखने को मिलती है, तो उस डैम्पिंग ऑफ के जो खतरा होता है, यानी कि आपकी फसलों में किसी भी फसल में हर बार डैम्पिंग ऑफ आता है, तो आप सीड ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो उससे डैम्पिंग ऑफ के आने के चांस बहुत काफ़ी कम हो जाते हैं, यदि हम सीड ट्रीटमेंट करके बीज की बुवाई करते हैं। तो इसलिए डैम्पिंग ऑफ आता है तो भी आपको सीड ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है, और जो हमारा प्लांट है वो काफ़ी हेल्दी रहता है, तो क्योंकि छोटा प्लांट रहता है, यदि उसमें हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं उगने के बाद, क्योंकि प्लांट छोटा रहता है तो उसकी जो इम्यूनिटी है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, यदि हम सीड ट्रीटमेंट करके बोते हैं तो उस पर फंगस अटैक नहीं कर पाती है, जिससे पौधा जब बड़ा हो जाता है तो फिर वो उसकी इम्यूनिटी भी बूस्ट हो जाती है और वो फंगस से लड़ने की क्षमता भी रखता है। लेकिन छोटे पौधे में फंगस अटैक कर जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, हम हैवी केमिकल का स्प्रे भी नहीं कर सकते हैं, फंजीसाइड का स्प्रे भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पौधा छोटा है, तो प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए सीड ट्रीटमेंट बेहद ही ज़रूरी होता है, हेल्दी जो हमारा जर्मिनेशन है वो हेल्दी हो, जर्मिनेशन अच्छा हो, उसके लिए सीड ट्रीटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सीड ट्रीटमेंट में हम जो भी फंजीसाइड ले रहे हैं, चाहे आप केमिकल लेते हैं, चाहे आप ऑर्गेनिक से करते हैं, तो बहुत कम मात्रा में लगता है, तो हमारा जो खर्चा है वो बहुत कम आता है, यानी कि खर्चा कम आएगा। जो हम केमिकल से भी कर रहे हैं तो बहुत कम हमें फंजीसाइड की आवश्यकता होती है, लेकिन उसके जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छे मिलते हैं। तो इसलिए सीड ट्रीटमेंट जरूरी है, क्योंकि वो कम खर्चे में बहुत अच्छा आउटपुट हमें देता है। तो सीड ट्रीटमेंट जरूर करना चाहिए, किससे करना चाहिए ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, किससे आपको सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए। देखिए, यदि आपके खेत के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है उसकी अच्छी मात्रा है, यानी कि आपका जो ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं, गोबर की खाद आप अच्छी मात्रा में डालते हैं, तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट रहेगा सीड ट्रीटमेंट के लिए वो है हमारा ट्राइकोडर्मा पाउडर। क्योंकि ट्राइकोडर्मा पाउडर इसलिए बेस्ट है क्योंकि हमारे जब हम ट्राइकोडर्मा पाउडर से सीड को ट्रीट करके उसकी बुवाई करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो फंगस है एक तो सीड पे अटैक नहीं कर पाती है। देखिए, डैम्पिंग ऑफ जो डिजीज होता है वो दो दो सिचुएशन में अटैक करता है, एक तो प्री एमरजेंस और एक पोस्ट एमरजेंस। प्री एमरजेंस कहते हैं कि सीड के उगने से पहले ही सीड पे वो फंगस अटैक कर देती है, जो डैम्पिंग ऑफ की फंगस होती है, और वो सीड को गला देती है, तो हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारा जो सीड है उस पर फंगस का अटैक हो गया, क्योंकि वो ज़मीन के अंदर ही होता है, और हम सोचते हैं कि कहीं ना कहीं कंपनी की गलती है, इसका जर्मिनेशन अच्छा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी दिक्कत आती है, उनको भी हमें समझना पड़ेगा कि हमारे खेत की जो कंडीशन है वो भी अच्छी नहीं है। तो इसलिए हमें
सीड को ट्री ट्रीट करके यदि बोते हैं तो जो प्री एमरजेंस की समस्या आती है डैम्पिंग ऑफ की, यानी कि सीड में ही जो फंगस लग जाती है, तो वो देखने को नहीं मिलती है, जिससे जो जर्मिनेशन अच्छा आता है, फास्ट आता है, और बाद में भी जो सीड उगने के बाद, यानी कि पोस्ट एमरजेंस बोलते हैं, जब सीड उगने के बाद जो डैम्पिंग ऑफ की समस्या आती है प्लांट में आती है, तो हम उसको पोस्ट एमरजेंस कहते हैं, यानी कि उगने के बाद जो समस्या आ रही है उसको हम पोस्ट एमरजेंस डैम्पिंग ऑफ कहते हैं। तो उसमें जो फंगस उगने के बाद प्लांट पे अटैक करती है, तो उसके चांस को भी वो कम करता है, तो इसलिए हमें सीड ट्रीटमेंट करके ही बुवाई करनी चाहिए। तो उसके लिए ट्राइकोडर्मा बेस्ट है उस फंगस को कंट्रोल करने के लिए। उसके साथ साथ देखिए, जब हम ट्राइकोडर्मा से सीड को ट्रीटेड कर देते हैं, तो क्या होता है, मान लीजिए हमारे खेत के अंदर अच्छा ऑर्गेनिक मैटर है, और ट्राइकोडर्मा को जो एनवायरनमेंट चाहिए वो मिल जाता है, यानी कि उसको ऑर्गेनिक मैटर ही चाहिए, कार्बन अच्छा होना चाहिए हमारे सॉइल के अंदर। यदि वो है आपकी सॉइल के अंदर, तो ट्राइकोडर्मा क्या करेगी, जैसे जैसे सीड उगेगा उसकी रूट्स निकलेंगी, बीज से प्लांट बनेगा तो उसकी रूट्स निकलेंगी, तो वो जो फंगस है, क्योंकि वहां में हमने जो ट्राइकोडर्मा फंगस से ट्रीटेड करके बीज को लगाया है, तो वो फंगस भी उस रूट जोन के साथ साथ, यानी कि जहां जहां रूट डेवलप कर रही है, तो रूट के साथ साथ, जड़ों के साथ साथ, वहां पे हमारी जो फंगस है वो भी कॉलोनी बना लेती है, यानी कि वो भी अपने आप को डेवलप कर लेती है जड़ों के पास। तो इससे जब वो डेवलप कर लेती है, तो फिर हमारे पौधे को लंबे समय तक वो प्रोटेक्ट करती रहती है, क्योंकि वो उसको ऑर्गेनिक मैटर चाहिए, वो हमारे खेत में है। तो उससे क्या है कि हमारी फसलों में बाद में जो हमें विल्ट की समस्या देखने को मिलती है वो भी नहीं आएगी, यानी कि जो हमारे सीड सॉरी सॉइल बॉर्न डिजीज होते हैं वो हमारे प्लांट में देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे कि विल्ट, डैम्पिंग ऑफ, स्क्लेरोटिया रॉट जो आता है। तो ये जो फंगस है ये हमारे जो प्लांट है उसकी रूट है, उसके स्टेम है, उस पर अटैक नहीं कर पाएंगे, हमारा जो पौधा है वो हेल्दी ग्रो करेगा। तो इसलिए ये बहुत बेहद ही बेनिफिशियल होता है ट्राइकोडर्मा, यदि आपके खेत की कंडीशन ऐसी है कि उसमें जो कार्बन है वो अच्छी मात्रा में है। यदि आपके पास आप ट्राइकोडर्मा नहीं है, आपके खेत में कार्बन अच्छी मात्रा में नहीं है, तो क्या है कि ट्राइकोडर्मा अच्छे से, जब आपके खेत में कार्बन की मात्रा अच्छी नहीं होती है, तो आपके खेत में लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाता है। लेकिन हालांकि इस कंडीशन में भी आप ट्राइकोडर्मा से सीड को ट्रीट ट्रीट करके बो सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो जब तक सीड का जर्मिनेशन होगा तब तक उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, हालांकि वो लंबे समय तक वहाँ पर टिक नहीं पाएगा, क्योंकि उसको जो एनवायरमेंट चाहिए, जो कार्बन चाहिए, वो ट्राइकोडर्मा को नहीं मिल पाएगा। तो उस कंडीशन में भी आप बेशक कर सकते हैं, आपको बेनिफिट होगा। लेकिन फिर आप चाहे तो जो हमारा केमिकल फंजीसाइड है उससे भी सीड ट्रीटेड कर सकते हैं, जैसे कि हमारा मैनकोजेब अच्छा रहता है, मैनकोजेब से आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो बेस्ट है हमारे लिए। तो मैनकोजेब से कर सकते हैं, आप चाहे तो जो कार्बन डाइजिम आता है उससे भी कर सकते हैं सीड ट्रीटमेंट। तो आप फंजीसाइड से करना चाहते हैं केमिकल से, तो ये हमारे पास है, इनसे आप सीड ट्रीटमेंट करके बोएंगे, तो ये भी हमारे जो सीड है उसको सुरक्षित रखेंगे, और हमारा जो जर्मिनेशन है वो अच्छा हमें देखने को मिलेगा। तो जो डैम्पिंग ऑफ की समस्या है वो भी हमें स्टार्टिंग में अपने फसलों के अंदर नहीं देखने को मिलेगी। तो आप मैनकोजेब से कर सकते हैं, कार्बेंडाजिम से कर सकते हैं। देखिए, मैनकोजेब कार्बेंडाजिम से आप सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो इनकी हमें 3 से 4 ग्राम मात्रा लेनी होती है पर केजी सीड, यानी कि 1 किलोग्राम सीड में 3 से 4 ग्राम मात्रा को अच्छे से ऊपर बुरक कर उसको मिक्स करके और आप बुवाई कर सकते हैं। उसी तरीके से जो हम यदि ट्राइकोडर्मा पाउडर से आप सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उसकी आप 10 ग्राम मात्रा ले सकते हैं प्रति किलोग्राम बीज, यानी कि उसकी ट्राइकोडर्मा पाउडर की 10 ग्राम मात्रा को 1 केजी सीड पे अच्छे से बुरक के उसे मिक्स कर दें, उसके बाद उसकी बुवाई कर दें। लेकिन यदि आप ट्राइकोडर्मा से सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं, यानी कि बीज उपचार कर रहे हैं, तो फिर ट्रीटेड करने के बाद, यानी कि जब भी आप ट्राइकोडर्मा से सीड को ट्रीटेड कर देते हैं, तो फिर उसको हैवी सनलाइट में, यानी कि डायरेक्ट सनलाइट में सीड को नहीं रखना है। सीड को हमेशा शाम के समय बुवाई करें, या आप दोपहर के टाइम भी बुवाई कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखें कि वो जो हमारा सीड है वो डायरेक्ट सनलाइट में ना आए, और जैसे ही आप बुवाई कर दें उसके बाद आप तुरंत उसमें इरिगेशन कर दें, तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ यदि आप चाहते हैं कि हमारे खेत के अंदर फंगस तो नहीं है, यानी कि हमारे बीज पे कोई फंगस अटैक नहीं करेगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे जो सीड का जर्मिनेशन है बहुत ही फास्ट आए, यानी कि हम जैसे ही सीड की बुवाई करें और उससे बहुत ही जल्दी से जो हमारा उसका जर्मिनेशन है फास्ट आए, क्योंकि जर्मिनेशन फास्ट आएगा तो उसकी मैच्योरिटी भी बहुत फास्ट आती है, जल्दी आती है। जर्मिनेशन डिले होगा तो आपकी जो मैच्योरिटी है वो डिले होगी। तो यदि आप चाहते हैं हमारी क्रॉप जल्दी तैयार हो, जर्मिनेशन फास्ट आए, तो उस सिचुएशन में जो बेस्ट ऑप्शन है हमारा सीड ट्रीटमेंट के लिए वो है हमारा
हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो 6.5% वाला आता है आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। तो उसको में क्या करना है आपको कि जितना रिक्वायर पानी है आपके, मान लीजिए 1 किलो सीड है, तो 1 किलो सीड जितने पानी में डूब जाए इतना पानी एक कटोर बाउल में लें, और उसमें से जो आपकी बोतल है उसमें जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो बोतल है 6.5% वाली, उसी का ढक्कन ले लें और उसको चार ढक्कन उस पानी में डाल दें, 3 से 4 ढक्कन डाल दें, और उसमें जो आपका सीड है उसको फिर डाल दें अच्छे से पानी में, पहले मिक्स करें हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, फिर सीड को उसमें डुबोकर छोड़ दें। इसको आप 12 घंटे के लिए छोड़ दें, या 12 घंटे काफ़ी होते हैं, यानी कि जिस दिन आप बुवाई करने उस दिन से एक दिन पहले शाम को आप इसको डुबो कर रख दें और सुबह को फिर आप इसकी बुवाई करते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड से सीड ट्रीटमेंट यदि आप करते हैं तो आप देखेंगे कि सीड का जो जर्मिनेशन है बहुत फास्ट आएगा, यानी कि बहुत तेज़ी से आएगा, क्योंकि ये जो सीड की सुप्तावस्था है उसको ब्रेक कर देता है, यानी कि डोरमेंसी जो होती है उसको ब्रेक कर देता है, जिससे सीड का जो जर्मिनेशन है बहुत ही फास्ट आता है। सीड का जर्मिनेशन फास्ट आता है और अच्छा देखने को मिलता है, यानी कि अधिक जर्मिनेशन हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ ये एंटी फंगल भी होता है, यानी कि कुछ हद तक ये जो फंगस है उसको भी हमारे सीड को बचा कर रखता है। तो ये बेनिफिट मिलता है यदि आप चाहते हैं कि हमारे जो सीड का जर्मिनेशन जल्दी से आ जाए, तो आप फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड से कर सकते हैं। तो ये ऐसे हमें सीड ट्रीटमेंट करके जरूर बोना चाहिए। उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।